आपने खाकी का सख्त अंदाज तो कई बार देखा होगा, लेकिन अब उसी खाकी में छिपी एक मां की ममता को भी देखिए। खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की है, जहां मुख्यमंत्री के चुनावी दौर पर डीएसपी मोनिका सिंह 2 दिनों से स्पेशल ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। उनके साथ उनकी 1.5 साल की बेटी मायरा भी थी, जिसे डीएसपी मोनिका सिंह ने बेबी कैरियर बैग में लटका रखा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान जब हेलीकॉप्टर में सवार होने जा रहे थे, तब उनकी नजर मोनिका पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया, मायरा को दुलारा और मोनिका के इस काम की सराहना की। इस दौरान सामने आई तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। धार से भी पुलिस बल ड्यूटी पर जोबिट पहुंचा था। टीम में धार की महिला डीएसपी मोनिका सिंह भी शामिल थी। उनकी ड्यूटी हेलीपैड पर थी। सीएम ने रात में जोबिट में ही रुके। मंगलवार सुबह वे झोलराड़ा गाँव में बने हेलीपैड पर पहुंचे और यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात डीएसपी पर उनकी नजर पड़ गई। डीएसपी मोनिका सिंह अपनी 1.5 साल की बच्ची को बेबी कैरियर बैग में लिए ड्यूटी पर तैनात थी। यह देख मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने पास बुलाया, बच्ची को गोद में लेने की कोशिश की। तभी वहां मौजूद कर्मचारी ने बेल्ट हटाया तो बच्ची रोने लगी। इस पर सीएम ने बच्ची को गोद में नहीं लिया, लेकिन सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। साथ ही ड्यूटी के साथ माँ का फर्ज निभाने पर डीएसपी की तारीफ भी की। मोनिका सिंह ने बताया कि एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने उन्हें हौसला दिलाया, मैं उनकी आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज SMZ News एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।